शब्द परिचय यानी कि शब्दों के बारे में जानकारी करना, ठीक है। एतत किम यानी कि यह क्या है, एतत किम का मतलब क्या है, यह क्या है, ठीक है। एतत खनयंत्रम यानी कि खनयंत्र का मतलब होता है कुलाड़ी, खनयंत्र का मतलब क्या होता है, कुलाड़ी। खनयंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुल्हाड़ी, ठीक है ना। यानी कि एतत् खनयंत्रम है कि ये क्या है, कुल्हाड़ी है। श्रमिका खनयंत्रम चालयति यानी कि जो ये श्रमिका है यानी कि जो काम करने वाली स्त्री है वो क्या कर रही है, खनयंत्र को चालयति यानी कि चला रही है, चलाना चलाना, ठीक है ना दोस्तों। मतलब यह खनयंत्र को चला रही है। इसमें हमारे जो पहला जो इसमें जो दिया गया है इसमें कुल्हाड़ी के बारे में परिचय दिया गया है और उसको कौन चला रहा है, श्रमिका चला रही है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अपन देखते हैं तत् किम, यह क्या है, वह क्या है, यानी कि तत् विश्राम ग्रहम यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, विश्राम ग्रह, ये क्या है, विश्राम ग्रह यानी कि विश्राम करने का जो स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं, हम विश्राम ग्रह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में देखिए किम अत्र भीतिकम अस्ति, क्या इसमें मतलब भीत है यानी दीवार है, है? क्या इसमें भीतिकम यानी कि दीवार, भीतिकम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, दीवार, दीवार, क्या इसमें दीवार है। अत्र भीतिकम न अस्ति यानी कि इसमें दीवार नहीं है, इसके चारों ओर दीवार नहीं है यानी कि नास्ति का मतलब इसके चारों ओर दीवार नहीं है। तो इसमें हमें विश्राम गृह के बारे में बताया गया है और भीतिकम का जो अर्थ है वो दीवार, दीवार के बारे में बताया गया है जो क्या है, इसमें नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब अपन तीसरे की ओर चलते हैं, देखिए एते के, एते के यानी कि ये यह कौन है, यह कौन है, ठीक है ना। तो एते अंगलीय के स्तः यानी कि ये अंगूठी बनाने वाले हैं, अंगली यानी कि हाथों पे मतलब सोने के जो मुद्राएं हैं उसको बनाने वाले हैं। स्वर्णकार अंगलीय के रचयति यानी कि ये कौन है, स्वर्णकार है ना, और ये क्या कर रहे हैं, अंगूठी की रचना करते हैं, अंगूठियों को बनाते हैं, ठीक है ना। स्वर्णकार का मतलब होता है सुनार, सुनार, ठीक है, और अंगली का मतलब होता है अंगूठी, अंगूठी, ठीक है ना दोस्तों, अंगूठी, ठीक है। तो इसमें हमने स्वर्णकार के बारे में जाना कि स्वर्णकार इसमें क्या कर रहा है और ये कौन सा मतलब क्या चीज इसमें बनाता है। तो इसमें स्वर्णकार जो है वो किसकी रचना कर रहा है, अंगूठी की रचना कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, ती के यह क्या है यानी कि वह सब क्या है यानी कि मतलब, तो ये कह रहा है ती वश्याने स्तः, यह सब मतलब यह जो है वो क्या है, बस यान है यानी कि बस स्टैंड है। बस यान का मतलब क्या होता है, बस स्टैंड। ती वश्याने कुत्र गच्छत यानी कि वहां से बस जो है वो जाते कहीं पर यानी कि कुत्र यानी कहीं जाती आती है, ठीक है ना, यानी कि कहीं पर आना जाना जाती भी है और आती भी है। ते रेल रेल स्थान कम गक्षत यानी कि वहां से मतलब बस स्टैंड से जो है वो बस कहां पर जाती है, रेल स्टेशन पर यानी कि रेलवे स्टेशन पर। रेल स्थान कम का मतलब क्या होता है, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना दोस्तों। और इसका क्या है, बस स्टैंड,
बस से आने का मतलब क्या होता है, बस स्टैंड, बस स्टैंड, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। इसमें हमने किसके बारे में जाना, बस यान के बारे में और रेल स्थान यानी कि रेल के बारे में, रेल स्टेशन जो है उसके बारे में हमने जानकारी करी। अब अपन तीसरा जो आगे वाला है उसको देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ये तानी कानी, ये सब क्या है, ये तानी कानी मतलब क्या है, ये सब क्या है, ये तानी कर वस्त्राणी संति, यानी कि ये सब कर वस्त्र है, यानी कि हाथ पहुंचने के, क्या हाथ पहुंचने के रूमाल है। कर वस्त्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूमाल, रूमाल, ठीक है ना। ये तान किम, ये तानी पुरानी, क्या यह पुराने हैं, पुरानी का मतलब होता है पुराने हैं, क्या यह पुराने हैं, पुराने हैं, ठीक है। इसके बाद में न ये तानी तू नूतनानी, और ना ही ये नए हैं, ना ही ये नए हैं, ठीक है ना, ना ही यह नए हैं, नए हैं। तो इसमें हमारे को जो कर वस्त्र है, हाथ पहुंचने के जो रूमाल होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि हाथ पहुंचने वाले रूमाल को क्या कहेंगे हम, कर वस्त्र, ठीक है। ये नए हैं या पुराने हैं इसके बारे में हमें जानकारी दी है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, तानी कानी यानी कि यह क्या है, ठीक है ना। तानी कदली फलानी यानी कि यह क्या, कदली फल का मतलब होता है केले का फल, कदली फल का मतलब क्या होता है दोस्तों, केले का फल, केले का फल, ठीक है ना दोस्तों। मतलब ये क्या है, तानी कानी मतलब यह केले हैं, ठीक है ना। कि तानी मधुराणी, क्या यह मीठे हैं, मधुराणी का मतलब होता है मीठे हैं, क्या यह मीठे हैं, ठीक है ना दोस्तों। आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, यह मधुर भी है और पोषक देने वाले हैं, हाँ यह मधुर भी है और पोषक देने वाले हैं, यानी कि शरीर को ऊर्जा बढ़ाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे को केले के फल जो है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, ये कैसा है, मीठा है ना, और पोषक हमें ग्रहण यानी कि देता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा जो शब्द परिचय का जो तृतीय जो अध्याय था वो यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।